भारत की आजादी से भी पहले मात्र 3000 रुपए के उधार से शुरू हुआ गोदरेज कंपनी आज ताले अलमारी से लेकर चंद्रयान के लॉन्च व्हीकल तक मैन्युफैक्चर करता है। यहाँ तक कि इंडिया के फर्स्ट जनरल इलेक्शन के लिए 12 लाख वैलिड बॉक्सेस गोदरेज ने ही बनाया था। 1897 में बॉम्बे में चोरी चकारी बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था। ऐसे में एक दिन अर्धशीर गोदरेज अखबार में कमिश्नर द्वारा दिए गए एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं और यहीं से उनको एक नया बिजनेस आइडिया आता है, एक ऐसा मजबूत ताला बनाने का जिसे तोड़ना काफी मुश्किल था। उस वक्त सिर्फ हैंडमेड ताले ही हुआ करते थे जो कि कोई काम का नहीं होता था। पैसे तो थे नहीं, लोन लेकर उन्होंने इस काम को शुरू किया और काफी मेहनत के बाद ऐसे ताले बनाए जो मजबूत तो था ही, साथ ही उन्होंने अपने ताले के साथ एक गारंटी लेटर भी लोगों को दिया कि ये ताले सिर्फ अपने चाबी से ही खुलते हैं, जिसके कारण लोगों में गोदरेज के एंकर लॉक्स के प्रति ट्रस्ट डेवलप होने लगा और यहीं से उनका बिजनेस चल पड़ा। इसके बाद उन्होंने एक ऐसा अनब्रेकेबल अलमारी बनाने के बारे में सोचा जिसे चोरों के लिए काटना या तोड़ना नामुमकिन हो। उस वक्त बैंकों में लॉकर की सुविधा नहीं होती थी, लोग कैश या ज्वेलरी अपने घर में ही रखते थे। महीनों तक अर्धशीर इंजीनियर्स के साथ अलमारी के डिजाइन बनाने में लगे रहे और फाइनली स्टील शीट को बिना काटे 16 बार मोड़कर 1.75 टन का अलमारी बनाया गया। गोदरेज का अलमारी इतना सक्सेसफुल रहा कि